दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज 8 नवंबर और 8 नवंबर को एक बार नरेंद्र मोदी जी ने पहले एक ऐतिहासिक कदम उठाया था नोटबंदी करके पूरे देश में हलचल मच गई थी। और आज 2019 के अंदर 8 नवंबर को अब एक ऐसा कदम उठाया है कि जिससे एक परिवार में पूरा हड़कंप मच गया है। जी हां, राहुल गांधी परिवार, गांधी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे SPG सुरक्षा हटा ली गई है। SPG सुरक्षा हटाने के बाद उनको Z+ सुरक्षा दी जाएगी। SPG सुरक्षा का जो कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने बार बार SPG सुरक्षा का उल्लंघन किया, प्रोटोकॉल तोड़ा गया। तो कांग्रेस ने भी चूक नहीं छोड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने SPG का सुरक्षा घेरा तोड़ करके जा करके मिले बच्चों से, जैसा कि लाल किले पर अक्सर वो देखे जाते हैं। तो इसी तर्ज पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी परिवार में सबसे बड़ा हड़कंप मच गया है कि SPG सुरक्षा हटा ली गई। SPG सुरक्षा का कारण हटाने का केवल और केवल यह है कि जैसे सोनिया गांधी है, उन्होंने कम से कम 50 से 60 बार तोड़ा गया। उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी 300+ बार SPG सुरक्षा का जो घेरा होता है उसको तोड़ा, उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ा। और राहुल गांधी तो बार बार तोड़ते ही रहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि राहुल गांधी ध्यान मुद्रा में बैंकॉक गए हैं, जबकि भारत के नागरिक बैंकॉक मजे लेने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, माइंड फ्रेश करने के लिए जाते हैं, वहां पर कौन सा ध्यान होता है, ये कांग्रेस से कई बार भाजपा भी पूछती रहती है। तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि SPG सुरक्षा हटाने के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई है और आरोप प्रत्यारोप ट्विटर के माध्यम से किए जा रहे हैं, भाजपा के ऊपर बार बार किए जा रहे हैं। जैसा कि SPG सुरक्षा के लिए माना जाता है कि जो प्रधानमंत्री का परिवार होगा उसको SPG सुरक्षा दी जाती है, और जिस तरीके से पहले की सरकारों में उसमें कई बार संशोधन भी हुए, जिस समय इंदिरा गांधी के ऊपर हमला हुआ था उस समय SPG सुरक्षा का, उसके बाद SPG सुरक्षा का गठन हुआ था, गठन के बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया था कि SPG सुरक्षा जो कोई हमला हो या फिर थ्रेट्स आते हों ऐसे उनके परिवार को दिए जाएंगे, और उसकी अवधि थी कि प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 10 साल तक रखा जाएगा। और सुरक्षा को देखते हुए फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में फिर दोबारा से संशोधन किया गया, उसमें फिर कर दिया गया कि जो अगर परिवार को थ्रेट्स वगैरह आते हैं तो 1 साल तक उसको रखा जाएगा, अगर ज़्यादा ही थ्रेट्स वगैरह आते हैं तो उसको आगे और बढ़ा दिया जा सकता है। तो ये SPG सुरक्षा का जो एक कवच होता है उसमें 3000 से ज़्यादा एक बहुत बड़े शक्तिशाली जवान हमारे लगे होते हैं, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर सुरक्षा का उनके ऊपर पूरा जिम्मा होता है। अगर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के परिवार का कोई भी प्रोग्राम होता है तो उनको SPG को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद उस पर जहां प्रधानमंत्री या उनके परिवार का प्रोग्राम होता है तो 24 घंटे पहले वहां की पूरी सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी पर ले लिया जाता है, और उसके बाद SPG की जिम्मेदारी रहती है 24 घंटे तक, वहां पर पूरी टीम रहती है अलर्ट। राहुल गांधी कई बार बैंकॉक जाते हैं उनको बिना इंफॉर्मेशन दिए बगैर। सरकार का कहना है कि जिस तरीके से गांधी परिवार ने SPG का दुरुपयोग किया है और बार बार उनके प्रोटोकॉल तोड़े हैं, 2015 से लेकर के अब तक 1852 बार प्रोटोकॉल तोड़े गए हैं, उनका सुरक्षा घेरा तोड़ा गया है, उनको कई बार नहीं बता करके ये कहीं भी चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर प्रधानमंत्री का परिवार है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन वो कहाँ जा रहे हैं, सुरक्षित है या नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात आती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया है। 8 नवंबर को ही ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि 2016 में भी यही फैसला 8 नवंबर को नोटबंदी के रूप में लिया गया था। पूरे देश ने नोटबंदी की सराहना की, और उसके बाद अब SPG सुरक्षा को लेकर के केवल और केवल कांग्रेस के परिवार में एक हलचल है, और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी बैंकॉक जाते हैं तो बता करके क्यों नहीं जाते हैं, और जाते कहाँ हैं, क्या करते हैं बैंकॉक जाकर। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि SPG के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस किस तरीके से SPG काम करती है, मैं वो बारी बारी से हम आपको बताने वाले हैं।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं उनको भी जेड प्लस सुरक्षा दी गई है और उनसे जो एसपीजी सुरक्षा एक साल तक रखी जाती है उसके बाद उनसे भी हटा ली गई। तो गांधी परिवार के अंदर इतनी विचलता क्यों है कि एसपीजी सुरक्षा का हटा लिया गया और सुरक्षा दी जा रही है जो अपने देश के अंदर सीआरपीएफ के जवान हैं उन वो दिए जा रहे हैं और जेड प्लस सुरक्षा कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती है। पूरे देश के अंदर 60 से 70 लोग हैं जो जिनको जेड प्लस सुरक्षा मिलती है या फिर प्रधानमंत्री के जो परिवार के लोग हैं उनको एसपीजी मिलती है और प्रधानमंत्री के साथ एसपीजी रहती है। कई बार कांग्रेस का भी यही रोना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री हैं रोड शो करने जाते हैं कई बार कहीं भी जाकर के उतर जाते हैं तो क्या एसपीजी को बता करके उतरते हैं और ये भी तो प्रोटोकॉल को तोड़ते रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो रोड शो हुए हैं नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उनको बताया गया और 24 घंटे पहले उस रोड को सिक्योरिटी के कब्जे में कर लिया गया और चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया जाता है और उसके बाद रोड शो किए गए। जिस तरीके से अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि रोड शो में नरेंद्र मोदी जी कार से ऊपर निकल करके हाथ हिलाते हुए और सभी का अभिवादन कर रहे हैं। तो क्योंकि वहां के संसदीय क्षेत्र वाराणसी नरेंद्र मोदी का आता है और वहां के लोगों से अगर इस तरीके से ना मिले तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए और वहाँ की जो वोटर्स हैं वो उनमें जो प्यार बना है वो बना बरकरार रहता। एसपीजी सुरक्षा को ये सब सारी चीज़ें बता करके उन्होंने ये काम किया। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि राहुल गांधी का परिवार सोनिया गांधी प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी ये सब डरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें थ्रेट्स भी आते हैं और हमें डर है खालिस्तान से। खालिस्तान के लोग हैं वो गांधी परिवार को मारना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी यही कहती है कि उनका जनक कौन है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही खालिस्तान की जनकदाता है और अब उन्हीं से उनको डर है। डर नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है ऐसे परिवार को सुरक्षा देने की और जेड प्लस उनको सुरक्षा दी गई है। जेड प्लस सुरक्षा हमारे देश के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों को दी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद अब सरकार ने गांधी परिवार से भी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली है। अब केवल प्रधानमंत्री मोदी के पास ही एसपीजी कवर रहेगा। एसपीजी सुरक्षा भारत में सबसे मजबूत सिक्योरिटी है। एसपीजी का गठन 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद किया गया। आइए जानते हैं कि एसपीजी का इतिहास क्या है और इसकी क्या खासियत है। 1988 में पार्लियामेंट में एसपीजी एक्ट 1988 पास किया गया जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के सुरक्षा चक्र को मजबूत करना था। जबकि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी एक्ट में संशोधन किया गया। अब इस एक्ट के तहत पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को कम से कम 10 साल तक एसपीजी सुरक्षा दी जानी थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार के वक्त एसपीजी एक्ट की फिर से समीक्षा की और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सहित एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल से भी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली। 2003 में वाजपेयी सरकार ने एक बार फिर से एसपीजी एक्ट में संशोधन किया और 10 साल की सुरक्षा को कम करके 1 साल कर दिया। यह 1 साल प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद से गिना जाना था। इसमें यह भी कहा गया अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री की जान को खतरा है तो इसे 1 साल से बढ़ाया भी जा सकता है। एसपीजी बहुत ही प्रशिक्षित इकाई है, आधुनिक उपकरणों और वाहनों से लैस होती है। इसमें 3000 कमांडो होते हैं जिसमें देश की सिक्योरिटी फोर्सेस से सिलेक्टेड किया जाता है। अभी तक गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में ये 3000 जवान तत्पर रहते थे लेकिन अब अकेले पीएम मोदी की सुरक्षा का जिम्मा इन कमांडो के पास होगा। जब भी कोई एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति यात्रा करता है तो एसपीजी की छोटी छोटी टीमें बनाई जाती हैं और उस स्थान की पूरी जाँच होती है। अधिकारी उस स्थान पर पहले ही पहुंच जाते हैं और 24 घंटे पहले ही उस स्थान को सुरक्षित बनाया जाता है। एसपीजी की टीम स्नाइपर्स और बम निरोधक विशेषज्ञ भी होते हैं, इनकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। एसपीजी की टीम के पास आधुनिक उपकरण होते हैं। एसपीजी एक्ट के मुताबिक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एसपीजी की मदद करते हैं। एसपीजी कमांडो के पास आधुनिक राइफल्स, अंधेरे में देखने वाले चश्मे, संचार के आधुनिक उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, दस्ताने कोहनी और घुटनों पर लगाने वाले गार्ड्स होते हैं। इसके पास हाईटेक गाड़ियों का दस्ता भी होता है। एसपीजी के पास बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की
बख्तर बंद गाड़ियां रेंज रोवर्स, बीएमडब्ल्यू के एक्सयूवी, टोयोटा और टाटा की एसपीजी सुरक्षा को हटने के बाद आप क्या सोचते हैं कि ये एक फैसला सही है गांधी परिवार के लिए या गलत, क्योंकि एसपीजी हटाने के बाद जेड प्लस दिया गया है, तो आप क्या सोचते हैं वो लिख करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।